This story is brought to you by tapeatale.com. चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इलायची की दास्तां उसकी जुबानी सुनाता हूँ, बिखरे दानों की दुहाई सुनाता हूँ, छिलके में बंद एक सच्चाई सुनाता हूँ। तो बात है 2014 की, जब मैं दिल्ली में रहा करता था। अक्टूबर की सर शाम में चलती हल्की ठंडी हवा और मेरा गला खराब। बस ऐसी ही एक शाम को सामने दीवार पर लगे टीवी पर आ रहा था मास्टर शेफ जूनियर, और माँ की नजरें थी मुझ पर जो उनके ही फोन पर एंग्री वर्ड्स खेल रहा था। क्या गेम थी। चल तुझे चाय बनाना सिखाती हूँ, माँ ने बोला। एक 12 साल का बच्चा जिसे आज तक स्टोव से दूर रहने के लिए कहा जाता था, उसे ये सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। मैंने फटाफट किचन में जाके दूध पत्ती चीनी पतीला निकाले और माँ के आते ही हमने चाय बनाना शुरू कर दिया। अभी बस माँ मुझे नानी वाले चाय के नुस्खे बता ही रही थी कि ये तो मैगी से भी जल्दी बन जाती है यार। उस दिन चाय बनाने की मुझे इतनी इतनी खुशी थी कि मैंने गरम गरम चाय से अपना मुंह तक जला लिया। पर उस चाय में ना वो स्वाद नहीं था जो माँ की हाथ की चाय में हुआ करता था। बस वो एक खुशबू नहीं थी, शायद मैंने बनाई थी इसलिए, या शायद पहली बार थी इसलिए। पर चाय बनानी आई तो सही, बस यही सोच के मैं फिर गेम खेलने में लग गया। और पता है अगले दिन ईद थी। वैसे तो अब मैं बिरयानी खा लेता हूँ, लेकिन तब नहीं खाया करता था, और पापा ने कहा था वो मुझे ईद की बिरयानी पहली बार ट्राई करवाएंगे, तो मैं बस उसी पे फोकस था और चाय वाय बनाना तो सीखते रहेंगे। इंतजार हुआ खत्म और जैसी बिरयानी का डब्बा खुला, ओहो हो, क्या खुशबू। अभी मैंने बस बिरयानी खाना चालू ही किया था कि बिरयानी में कुछ तो था बहुत सख्त और कड़वा सा, ध्यान से देखा तो इलायची थी। उसके बाद मैंने बिरयानी खाने से ज्यादा ध्यान उसमें से इलायची निकालने पे लगा दिया, वो भी चुन चुन के। मेरी प्लेट में इतनी सारी इलायची देख के माँ ने बोला, चल तुझे चाय बनाना सिखाती हूँ। पर माँ अभी कल तो सिखाई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, वैसे ही बिरयानी का सारा मजा खराब हो चुका है, अब आप और परेशान मत करो प्लीज। चल ना आज दूसरे तरीके से सिखाऊंगी, बस ये बात माँ ने बोली और मेरी प्लेट उठा के किचन में चली गई। जब तक मैं किचन में पहुंचा तब तक माँ चाय का पानी रख चुकी थी। एक चम्मच चीनी चेक, 1.5 चम्मच पत्ती चेक, 1 इलायची। छी यार इलायची कौन डालता है। चुपचाप खड़ा रहे और देख। माँ ने मेरी बिरयानी वाली प्लेट से एक इलायची उठाई, उसे पानी से धोया और धीरे धीरे उसका छिलका उतारने लगी। जैसे ही वो छिलका उतर गया तो उसमें जो दाने थे वो थोड़े बिखर से गए। माँ ने उन्हें इकट्ठा किया, ठीक से पीसा और चाय में डाल दिया। थोड़ी देर उबालने के बाद उसमें से वही खुशबू आई जो मैं अपनी बनाई चाय में ढूंढ रहा था। उस खुशबू में मैं शायद कहीं खो गया था, 12 साल का बच्चा अब बड़ा हो गया था। धीरे धीरे खुशबू फिर छटने लगी तो दुनिया की सच्चाई जैसे दिखने लगी। आज जब कॉलेज में उसी इलायची वाली चाय की चुस्की लगाते हुए लोगों को देखता हूँ तो लगता है मेरे ही बचपन की तरह वो अपनी जिंदगी में अपनी चाय में खुशबू तो चाहते थे पर इलायची डालने से घबराते थे। बिरयानी से इलायची निकाले जा रहे थे ये सोच के कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अपनी ज़िंदगी की चाय में उसकी ज़रूरत नहीं समझ पा रहे थे। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो हमारी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पर किसी और की लाइफ में वो उतना मैटर नहीं करता। पीपल व्हेन ओपन अप लाइक अ कार्डमम देयर सोल फॉल्स आउट लाइक इट्स बीड्स एंड व्हेन दे आर ग्राइंडेड टुगेदर इट कैन इवन मेक अ प्लेन टी लाइक लाइफ टेस्ट ब्यूटिफुल एंड व्हेन दे आर पुट इन समवन एल्सेस लाइफ व्हिच इज ऑलरेडी वंडरफुल लाइक अ बिरयानी देयर प्रेजेंस इज नॉट वैल्यूड। अगर तुम किसी चाय की महक बढ़ा नहीं सकते तो किसी की बिरयानी का स्वाद बिगाड़ना मत, और अगर कोई तुम्हें अपनी बिरयानी से निकाल दे तो अपनी अहमियत भूल जाना मत, बस किसी और की चाय में घुल जाना और उसका स्वाद बढ़ाना। थैंक यू सो मच।